दोस्तों अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 500 विकेट अपने नाम करने वाले रविचंद्रन अश्विन के साथ हुई ऐसी खौफनाक घटना, रातों रात टीम इंडिया का साथ छोड़कर लौट गए घर वापस। करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखें हो गई नम, तो आखिर कैसे अश्विन के सर पर टूटा मुसीबतों का पहाड़? आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई जिसके कारण तो उन्हें अपनी प्यारी टीम इंडिया का साथ छोड़कर रातों रात तीसरे टेस्ट मैच से नाम वापस लेना पड़ा? क्या अब 10 खिलाड़ियों के साथ उतरेगा भारत या मिलेगा कोई रिप्लेसमेंट? सब कुछ तो हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, जडेजा और कुलदीप में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है, पर टीम इंडिया को मैच के दूसरे दिन एक बहुत बड़ा झटका लगा। स्टार स्पिनर आर अश्विन को निजी कारणों की वजह से मैच को बीच में छोड़कर घर लौटना पड़ा। अचानक से बीच में मैच में नाम वापस लेने के बाद अब कप्तान रोहित शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सवाल यही है कि क्या भारत 10 खिलाड़ियों के साथ आगे खेलेगा या फिर उसे रिप्लेसमेंट मिलेगा? दरअसल अश्विन का बाहर होना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात इसलिए है कि अश्विन ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर के 500 विकेट पूरे किए। उन्होंने जैक क्रॉली का विकेट चटकाया, इसी के साथ वो अनिल कुंबले के बाद सर्वाधिक टेस्ट विकेट चटकाने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। इस मामले में उन्होंने अनिल कुंबले, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ दिया और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। लेकिन अब रातों रात अश्विन को अपनी प्यारी भारतीय टीम का साथ छोड़कर घर वापस भागना पड़ा है। इसके पीछे जो वजह है उसे सुनकर आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। आपको बता दें, अश्विन की अनुपस्थिति को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि पारिवारिक चिकित्सीय आपात स्थिति की वजह से वो इस टेस्ट टीम से तुरंत प्रभाव से बाहर हो गए हैं। बोर्ड ने कहा, पारिवारिक चिकित्सीय आपात स्थिति के कारण रविचंद्रन अश्विन तुरंत प्रभाव से टेस्ट टीम से हट गए हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में बीसीसीआई और टीम अश्विन का पूरा समर्थन करती है। बीसीसीआई चैंपियन क्रिकेटर और उनके परिवार को अपना हार्दिक समर्थन देता है। खिलाड़ियों और उनके प्रियजनों का स्वास्थ्य और भलाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड अश्विन और उनके परिवार को गोपनीयता का सम्मान करने का अनुरोध करता है, क्योंकि वो इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ खास कारण नहीं बताया गया है कि अश्विन किस वजह से बाहर हुए हैं, लेकिन अब बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर बताया कि अश्विन की मां की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आपात स्थिति में चेन्नई जाना पड़ेगा, इसीलिए अश्विन राजकोट टेस्ट मैच बीच में छोड़ रहे हैं। उन्होंने अश्विन की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। जी हां, अश्विन अपनी मां के साथ रहने के लिए टीम इंडिया का साथ छोड़कर वापस लौट गए, और जिस तरीके से वो रातों रात टीम का साथ छोड़कर गए हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि उनकी मां की स्थिति गंभीर है। वो अस्पताल में एडमिट है, तभी तो ये खबर सामने आते ही पूरा देश उनकी मां की सलामती के लिए उनके साथ खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा। लेकिन भारतीय टीम की चिंता जरूर बढ़ चुकी है, क्योंकि अश्विन आगे इस मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या उनकी जगह पर किसी खिलाड़ी को उतरने का मौका मिलेगा? अगर गेंदबाज उतरा तो उसे गेंदबाजी करने की अनुमति होगी। तो जान लीजिए क्या कहता है इसे लेकर आईसीसी का नियम। नियम के मुताबिक अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्लेइंग 11 में किसी खिलाड़ी को शामिल करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और टीम मैनेजमेंट की अनुमति चाहिए होगी। अक्षर पटेल टीम लिस्ट में 12वें जबकि केएस भरत 13वें खिलाड़ी हैं। इन दोनों में कप्तान किसी को भी अश्विन की जगह मौका दे सकते हैं। एमसीसी के नियम 1.2.2 के अनुसार विरोधी टीम के कप्तान की अनुमति के बिना दूसरी टीम अपनी प्लेइंग 11 के बीच मैच के दौरान किसी खिलाड़ी की जगह पर किसी और को शामिल नहीं कर सकती। अश्विन की जगह फील्डिंग करने के लिए सब्स्टिट्यूट को रोहित शर्मा जरूर उतार सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉक्स के इजाजत के वो किसी को अश्विन की जगह प्लेइंग 11 में शामिल नहीं कर पाएंगे। मतलब टीम इंडिया 10 खिलाड़ी और एक सब्स्टिट्यूट के साथ मैदान पर उतरेगी। आईसीसी के नियम कहता है कि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी ना तो बैटिंग कर सकता है और ना ही टीम के लिए गेंदबाजी में योगदान दे पाएगा, वो सिर्फ फील्डिंग ही कर सकता है। यानी कि बेन स्टॉक्स की मर्जी के बिना रोहित शर्मा के हाथ बंधे हुए हैं, जो एक चिंता की बात साबित हो सकती है। लेकिन जाने से पहले आप भी कमेंट में अश्विन की मां की सलामती की प्रार्थना जरूर करिएगा। और आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।